आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट गुड़ की डली, हर सुबह एक मीठी बात। हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं हिमानी दीवान। आज तारीख है 24 मार्च और बज रहे हैं सुबह के 8। आज की मीठी बात जुड़ी है फसल बीमा से। जो किसान फसल बीमा क्लेम को लेकर कंपनियों की मनमानी से परेशान हैं, उनके लिए ये एक बेहद अच्छी खबर है, क्योंकि अब क्लेम का वितरण डिजिटल तरीके से किया जाएगा। शुरुआत में इसका लाभ 6 राज्यों के किसानों को होगा। इसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हरियाणा शामिल हैं। अब क्लेम भुगतान की प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो जाएगी। राज्यों द्वारा पोर्टल पर जो उपज डाटा जारी किया जाता है, उससे इस काम में मदद मिलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के डिजिटाइज्ड क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल डिजी क्लेम की शुरुआत कर दी है। इसी के साथ उन्होंने 6 राज्यों के बीमित किसानों को 1260 करोड़ रुपए के बीमा दावों का भुगतान भी किया। कृषि मंत्री ने उम्मीद जताई है कि अब इस बीमा योजना की लोकप्रियता और बढ़ेगी। इस योजना का उद्देश्य है कि प्राकृतिक आपदा के बावजूद किसानों का नुकसान ना हो। सरकार इसीलिए फसल बीमा योजना को किसानों का सुरक्षा कवच बनाती है। किसानों को बीमा कंपनियों की मनमानी से बचाने के लिए समय समय पर फसल बीमा योजना में सरकार ने बदलाव किए हैं और ये बदलाव भी इसी का एक उदाहरण है। अब ये समझते हैं कि इसका फायदा कैसे और क्या होगा। दरअसल क्लेम को अब तक कृषि मंत्रालय ट्रैक नहीं कर पा रहा था। इससे अक्सर किसानों की ओर से ये शिकायत आती थी कि क्लेम नहीं मिला, किसानों को कंपनी के पीछे भागना पड़ता था। लेकिन डिजी क्लेम के जरिए अब ये सिस्टम ऑटोमेटिक हो गया है। अब बीमा कंपनी से क्लेम निकल कर NCIP पर आएगा, उसके बाद PFMS यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पर जाएगा। बीमा योजना को PFMS से भी जोड़ दिया गया है। इससे पात्र किसान तक डायरेक्ट क्लेम पहुंचेगा और उसकी ट्रैकिंग भी की जा सकेगी। जहां कंपनी क्लेम प्रोसेस में देरी करेगी, वहीं कंपनी पर ऑटोमेटिक पेनल्टी लग जाएगी। हर किसान को क्लेम ट्रैक करने की सुविधा मिलेगी कि क्लेम कहां पहुंचा और किस वजह से रुका है। ऐसी ही मीठी और अच्छी खबरों के लिए जुड़े रहिए किसान तक के पॉडकास्ट गुड़ की डली के साथ।